গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কি সুন্দর একটা সকাল আর কি সুন্দর বেলি ফুল গো, দেখে একেবারে মনটা মনে হচ্ছে যেন একদম, বলে না দ্য এসেন্স অফ দ্য ফ্লাওয়ার ইজ সো নাইস, ইস কোয়ারেন্টাইন টাইম মে না বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যায়। আর ইধর লাইট চলি গই হ্যায়, আমারা ইনভার্টার হ্যায় খারাপ, তো বাস ইসি মে আপনে আপকো খুশ করনে কে লিয়ে উঠ কে বাহার বেঠ কে ফ্লাওয়ার্স দেখ রে, আর করে তো ক্যা করি। क्या अच्छा खुशबू है यार, मैं फ्लावर्स की खुशबू ले रही थी, सच में बहुत बढ़िया है। ये जो इखने हमारा दाल और आलू पोटैटो एंड दाल पल्सेस आई एम बॉइलिंग इट, तो आलू का कुछ चोखा बना देंगे और दाल सिंपल बना लेंगे। इधर चावल बैठ गया है और बस आज का दिन थोड़ा देर से शुरू किया, बिकॉज टुडे वाज सोलर इक्लिप्स राइट, तो इट वाज स्टिल यू नो क्वाइट लेट इन द आफ्टरनून, to I think till 2:15 or 2 o'clock, so I went off to sleep, which I'm not supposed to be done, but मैं सो गई, मैं अपने नींद पूरा कर ली और अब थोड़ा देर से खाना बना रही हूँ, बना तो रही हूँ, फटाफट बना लूंगी आप लोगों के आशीर्वाद से, है ना। एकटा बोशी दी थी सिंपल, थोड़ा सा पनीर था मेरे पास, उसको थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा चिली सॉस और थोड़ा सा कुछ कुछ मसाला नहीं होता है मैगी वैगी का, वो सब मसाला डाल दियो और थोड़ा सा मैगी सॉस टोमेटो सॉस देख के, दो चार न्यूट्रिला देख के और पनीर देख के बैठा दियो, तो थोड़ा चटपटा सा बन जाएगा, संडे है कुछ कुछ तो बनाना चाहिए, है ना। हाफ ऑफ माय खाना इज बीन कुक्ड, हाफ इज यट टू बी कुक्ड, इतने में मैं किचन पूरा सा सेट कर ली, करके बस अभी थोड़ा आधा खाना जो है वो पका लूंगी और हो जाएगा काम कम्प्लीट, फिर कुछ स्नैक्स बनाने का सोच रही हूँ, देखती हूँ। समर टाइम है, आपके पास चीज या बटर पिघल रहा है, मतलब होता है ना कभी कभार देखना फ्रिज में इतना ठंडा नहीं होता है, उस टाइम पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे तो मैं डाली हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, आप इसमें थोड़ा नींबू भी डाल सकते हो और इसको छोटे छोटे बॉल्स बना और उसके ऊपर ब्रेड की कोटिंग दो, जैसे मैं एक दिन दिखाई थी ना उस तरह से बना के। अच्छा आई विल व्हेन आई डू इट आई विल शो यू द प्रोसेस, तो इस तरह से स्नैक्स बना दो गर्मी में, अच्छा भी लगता है, थोड़ा चेंज भी हो जाता है और हैप्पी संडे हो जाता है ना। तो चलो ये मैं कर लेती हूँ छोटे छोटे। এটা আমি আমার আগের একটা ভিডিওতেও দেখিয়েছি, এরকম না ব্রেডস এর সাইডস গুলো কেটে নিতে হবে, ওটা স্টাফিং ছিল আলু, বাট হিয়ার দ্য স্টাফিং ইজ উইথ চিজ, তো এটা এরকম ভাবে ছোটে ছোটে মানে হ্যাঁ না, তো ইসকো হাফ করে আর ভি ছোটে বানাবো তো ওয়ান ফোর্থ কর সকতে, ঠিক দেখো ইসমে নমক পানি হ্যায় সিম্পল, ইসমে ইয়ে হাফ ব্রেড হাফ স্লাইস কিয়া হুয়া ব্রেড, ইসকো এসে করকে ইউ হ্যাভ টু সোক ইট ইন ওয়াটার এন্ড then press it and take out the water, after that you put like this whatever stuffing you have, it may be of paneer, it may be of potato, and then you just mold it into any shape, it can be like this, it can be flattened, it can be round, is tarah se shapes bana ke acche se banana aur aapka beautiful yummy yummy mouth watering evening snacks taiyar, iske baad isko fry karna hai, you can deep fry it or you can light fry it, that's up to you, hai na, chalo kar lete hain. Is tarah se aap garam garam thoda sa kuch kuch bana ke fry kar lo aur jab aap serve karoge na aap second time aur ek baar fry kar sakte ho, andar cheez hai to pighal jayega, isliye simple hamari bengali sadharan ghar mein is tarah se bhi banta hai, होता है ना जल्दीबाजी में आप बनाओ, और दूसरा है कि बच्चों को इस टाइम पे संभाल के घर पे रखना, कुछ अच्छा खाना बना के दो उन लोगों का मन पसंद पर क्या था वो खुश होकर घर में रहते हैं, और मैं देख रही हूँ सब पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से बच्चों को अभी खुश रखने का, इस तरह से शाम को बना दो छोटे छोटे बच्चे खुश, बच्चे खुश तो पेरेंट्स भी खुश, इस तरह से हल्का वैसे बना बना के रखते हैं, है ना। देखो
फ्राई करने के बाद ना ये एक्चुअली इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा डार्क होगा इस तरह से, और ये हल्का फ्राई है बिकॉज बिफोर सर्विंग आई विल फ्राई वंस मोर, मतलब जस्ट गर्म ऑयल में डिप करूंगी और निकाल लूंगी तो क्रिस्पी हो जाएगा। तो अभी ढक के रख देती हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह से यम्मी इवनिंग टिफिन या स्नैक्स आप बच्चों को सर्व कर सकते हो, है ना। सिंपल दीदी का सिंपल रेसिपी, इसको और भी अच्छे अच्छे तरीके से बना सकते हो, लेकिन सिंपल एकदम घर में बेसिक चीजों से फटाफट बनाने की रेसिपी है ना, ऐसा कर सकते हो, है ना। और अच्छा चीज डालो और अच्छे वैसे और बेटर बनेगा, वो तो है ही, बोलते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उस तरह से जितना इंग्रेडिएंट्स डालोगे, जितना प्रोसेस आपका और मॉडिफाइड होगा खाना, उतना ही हायर लेवल पे बेटर बनेगा, है ना। और ये है बेसिक सिंपल, जल्दी जल्दी से बनाना, जल्दी जल्दी से पकाने का स्टाइल, है ना, कहते हैं जल्दी जल्दी रेसिपी, है ना। देखो मेथी का सीड्स तो बहुत स्पीड से निकल के आ गया, ये देखो, आर यू सी, बर्ड्स ना खाए बस, तो इसमें मेथी का साग तो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं हुआ, मिर्ची तो इधर दिख ही रहा है, और नो स्प्राउटिंग नथिंग, धनिया भी नहीं आया, आ जाए तो अच्छा है, थोड़ा टाइम लगेगा शायद, चलो देखते हैं। ये है मेरे प्लांट्स का गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, दिस इज गुड न्यूज, दिस इज बैड न्यूज, ठीक बोली हूँ ना। इधर का भी गुड न्यूज है, ये फूल लग गया ये वाला प्लांट, और ये वाला नहीं लगा, मन खराब करने से नहीं चलेगा, कोशिश तो किया लग जाए तो, मुझे नहीं लगता लगेगा, लेकिन फिर भी प्लांट तो किया था ना, ये चलेगा इस तरह से, क्या बोलती हूँ, चलाना पड़ता है। और ये की सुंदर गोलाप है, इन द विंटर्स यू हैव सच लवली रोजेस, बट वो ही रोजेस समर्स में देखना ठीकरे गोलाप बन जाता है। इस तरह से है, बस शाम हो गई है, काम ऑलमोस्ट कंप्लीट आज, और कोई और काम नहीं कर रही, थकी गए हो, थक गई हूँ। चलो आज का दिन यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा खाना वाना रेसिपी, अरे नहीं कंप्लीट कर सकते ऐसे, इधर देखो मिट्टी मिट्टी हो गया, चलो क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये है हमारा पंपकिन प्लांट, ठीक है ये जगह क्लीनिंग हो गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर से बारिश होगी तो फिर से क्लीन करना पड़ेगा, रफली थोड़ा सा क्लीन कर दिया और अब सही लगा। ऐसा करती हूँ आज के दिन को यहीं पे हम लोग सब मिलके कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, है ना माय फ्रेंड्स। आई लव यू ऑल वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब इज रिटन इन रेड कैपिटल लेटर्स एट द end of the channel, please tap it, subscribe, like and share my channel with your friends and family. आप subscribe करते हो, like करते हो, share करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank you, bye bye, see you tomorrow, है ना, कल फिर मिलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, है ना, bye bye.